अबे रुक जा, अबे रुक जा, भागे कहाँ जाएगा? नहीं मारे तो कौन मारेगा? पूरे दिन हमारा घूमता रहता है, स्कूल जाने की नीति नहीं। चल स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सर मुझे मारते हैं, आपको मम्मी की कसम। मम्मी की कसम ले, मम्मी की कसम। चल स्कूल। मास्टर को बोलूंगा तेरी खाल दौड़ाऊंगा आज। बोल अबे 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 रुक जा। साहब मैं आपको पहले भी 10 बार बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि ये बच्चा रेस्ट के समय घर नहीं आना चाहिए। अरे चाचा जी मुझे स्कूल का काम करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, हर समय एक एक बच्चे की निगरानी थोड़ी रख सकता हूँ। बांध के बिड़ो। हाँ बांध के रखिए, पर छुट्टी से पहले घर नहीं आना चाहिए। ठीक है हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं बांध के रखो, मुझे नहीं पता ये छुट्टी से पहले घर नहीं आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बेशरम, हमेशा तेरे माँ बाप तेरे को यहाँ पे फेंक के जाते। एक दिन भी ऐसा गया जब तू अपनी मर्जी से स्कूल आया हो। हाँ सर, 15 अगस्त को झंडे का दिन आया था। सबा नड़ा भाई। अरे नहीं मारूंगा, तेरे मम्मी पापा तभी घर भी नहीं पहुँचे होंगे। तो क्या हुआ, मैं उनसे पहले पहुँच जाऊंगा और फिर तुझे वो वापस यहाँ पे पटके जाएंगे। खड़ा खड़ा खड़ा, बीच में बैठ। बच्चों उसका ध्यान रखना, कहीं भाग ना जाए। ठीक है सर। हाँ तो बच्चों, कल हमने जो प्रश्नोत्तर करवाए थे सबको याद है ना? हाँ सर। तू खड़ा हो जा। हाँ तो तू ये बता कि राजस्थान में अभी टोटल कितने जिले हैं? नहीं खड़ा हो, तुम खड़ा हो पीछे, तुम खड़ा हो। हाँ सर, राजस्थान में 50 जिले हैं अभी। बहुत अच्छा, सबके एक एक जोर जोर से। ओके सर। तू मेरे धीरे धीरे मारना, मैं भी तेरे को धीरे धीरे मारूंगा। तेरे को प्रश्नों के उत्तर आएंगे तभी मुझे मारेगा ना। तेरे को तो रेस्ट होने दे, बताता हूँ। ठीक है बच्चों, खड़े हो जाओ और लाइन से क्लास में चलो। हाँ तो बच्चों, कल जो होमवर्क दिया था किस किस ने कर लिया है? हाँ भाई अर्किया, खड़ा हो जाओ। होमवर्क क्यों नहीं किया? सर होमवर्क तो कर लिया था पर कॉपी बकरी खा गई। बेटा ये बहाना तो पुराना हो गया, हमारे टाइम का है, कोई नया बहाना मारो यार। मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। अच्छा रुक, तेरे पापा को कॉल करता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो सतोलिया खेलने के लिए गया था इसलिए भूल गया। हाँ अब ठीक है, बैठ जा और कान पकड़ कर 10 उठक बैठक निकाल। हाँ तो तनेराज खड़ा हो जा और ये बता कि बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट। उठ जा बैठ जा और तू खड़ा हो जा और ये बता कि सेव को इंग्लिश में क्या कहते? एप्पल। ठीक है बैठ जा। हाँ भाई यार क्या, तू खड़ा हो जा
और ये बता कि मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? सर बंदर। इसने कैसे बता दिया भाई? कॉपी में देखकर बोला ना? नहीं सर, कसम से आपको देखकर बोला। अच्छा चुप रहो। बड़ी हंसी आ रही है, कल मुहावरे पढ़ा देना और वाक्य में प्रयोग करना सिखा देना। कौन कौन पढ़ के आया है? तू कुछ पढ़ के आता है बेशरम? सर अब भी बोला ना, सतोलिया खेलने के लिए गया था। खड़ा हो जा। तू ये बता कि मुंह में पानी आना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके बता। सर जैसे ही मैंने नल से मुंह लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ गया? हाथ टूट जाएगा। इसे मत, तू खड़ा हो। किसी एक वैज्ञानिक का नाम बता। आलिया भट्ट वैज्ञानिक है। इतने दिनों से मैं यही पढ़ा रहा हूँ ना। सर ये तोतला है, ये बोल रहा है आर्य भट्ट। अच्छा ठीक है, बैठ जा। हाँ तो बच्चों, जो लास्ट होमवर्क दिया था कुत्ते पर निबंध लिखने को, किस किस ने लिख लिया है? हाँ भाई हरके खड़ा हो जा। कुत्ते पर निबंध क्यों नहीं लिखा? सर वो क्या है कि मैंने जैसे ही लिखने के लिए पेन कुत्ते पर रखी तो कुत्ता भाग गया। ओ तेरी, बाकी बार क्लास में बैठ जाओ। हाँ तू खड़ा जा और सबको गिनती बोला जोर जोर से। एक एक बी ए बी बी ए बी जोर से चौके चार पोछे पोछ छक्के छ हाथे हाथ और जोर से आठे आठ नम्बे नौ एक मिंडी दस बेका ग्यारह और जोर से। सर मैं तो ज्यादा जोर कर लूंगा, पैंट आपको धोनी पड़ेगी। नहीं नहीं इतनी जोर से ठीक है, शुरू कर। एको भी यो बार है, एको जियो देर है। मास्टर जी मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये बच्चा छुट्टी से पहले घर नहीं आना चाहिए? भले ही बांध के रखो, मारना है तो मारो, पर छुट्टी से पहले स्कूल से घर नहीं आना चाहिए। हर गया इधर इधर, नहीं तो वहां आके मारूंगा। देखिए झुंझू जी, इसको मारना इसका समाधान नहीं है। देखिए देखिए इसका सर ही कांप रहा है, इसके दिमाग में भय बैठ गया है कि स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मार पड़ती है। अरे झुंझू जी आपको कैसे बताऊं, इसको लगता है कि स्कूल एक पिटाई करने का अड्डा है। अरे मैं भी इसको बहुत मारता हूं, पर इसको मारना इसका समाधान नहीं है। सामने से इसके दिमाग पर साइड इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसको मारने के सिवाय प्यार से स्कूल भेजिए और पढ़ाइए, तभी ये स्कूल आने में भी इंटरेस्टेड होगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। अरे मारना बंद करो।